प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उदय। इससे पूर्व हमने 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की थी, जिनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कांधार, कंबोज, अवंती आदि 16 महाजनपदों के बारे में हमने चर्चा की थी। और इन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जो महाजनपद उभर करके आया उसका नाम था मगध। तो मगध का उदय किन परिस्थितियों के कारण से हुआ? 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा ताकतवर जो राज्य बना मगध, वो किस कारण से बना, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मगध के उदय के कारण कि हम बात करें तो पहला कारण आता है प्राकृतिक परिस्थितियों से सुरक्षित। तो जो मगध राज्य जो था वह है प्राकृतिक जो परिस्थितियां थी वो उसके फेवर में थी। और हम देखें तो इस प्रकार से मगध की जो स्थिति थी इनमें मगध यहाँ पर जो हैं हम दर्शा सकते हैं। और पूर्व से इसका जो विस्तार था वो पूर्व में और पश्चिम में, तो पश्चिम में जो थी आर्य जाति थी, आर्य, और यहाँ पश्चिम में जो था उसमें अनार्य लोगों की संख्या अधिक थी। और इसके दक्षिण में देखें यहाँ तो ये विंध्याचल पर्वतमाला थी। और यह जो राज्य था मगध वह सोन और गंगा नदी, गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित था। एक नदी और थी जिसका नाम गंडक है। तो इस प्रकार से गंगा व सोन और गंडक नदी के संगम पर यह राज्य था, इसलिए प्राकृतिक परिस्थितियों से सुरक्षित था। प्राकृतिक परिस्थितियों से सुरक्षित था, कोई भी आक्रमणकारी है वो मगध पे सीधे रूप से आक्रमण नहीं कर सकता था। और मगध जो है दूसरे राज्यों पर आसानी से आक्रमण कर सकता था, इसलिए प्राकृतिक परिस्थितियां मगध के फेवर में थी, मगध के अनुकूल थी। और इन्हीं प्राकृतिक प्रकृतियों ने मगध को उदय होने के लिए प्रेरित किया। तो प्राकृतिक परिस्थितियों से जो है मगध सुरक्षित था, और इन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण से मगध का उदय हुआ। दूसरा जो कारण है उदय का वह है खनिज धातु। खनिज धातु में लोहे की खान जो प्राप्त हुई, लोहा मगध में मिला। और लोहे के मिलने के कारण से उस समय के जो औजार थे वो बनाए गए, और इन औजारों के कारण से मगध ने आसानी से अन्य राज्यों को जीत लिया। तो खनिज धातु जो मिली लोहा, उसके कारण से मगध का जो है उदय हुआ, मगध जो है शक्तिशाली हुआ, और मगध ने आसानी से अन्य राज्यों को पराजित कर दिया। तो लोहा जो मिला उसके कारण से जो है जो सेना के लिए, चाहे वह सिर पर पहनने के लिए टोप हो या फिर तलवार हो, भाला हो आदि जो है औजारों का निर्माण आसानी से किया गया। तो औजार जो है वो बनाए गए लोहे से। तीसरा हम कारण देखें तो वो है गज सेना यानी हाथी। जो मगध था उसके पास में घने जंगल थे, और जो हमने देखा गंगा व सोन नदी भी थी, तो वहाँ पर प्राकृतिक जो सुरक्षा थी उसके कारण से वहाँ पर हाथी जो है थे वो बहुत संख्या में थे। और हाथी अधिक संख्या में होने के कारण से हाथी का जो उपयोग है, जो इस्तेमाल है, वो सेना में किया गया। अर्थात जो सैनिक थे वो हाथियों पर बैठ करके युद्ध उन्होंने किया और आसानी से जो है विरोधी सेना को पराजित कर दिया। तो मगध के उदय का जो कारण है
वो वहाँ के जो जंगलों में जो हाथी पाए जाते थे उसके कारण से भी मगध को युद्ध करने में आसानी हुई। और जब हाथियों पर बैठ करके मगध के सैनिकों ने युद्ध किया तो उनको आसानी से जीत प्राप्त हो गई। चौथा जो कारण है उदय का वो है योग्य एवं प्रतापी शासक होना। तो मगध के जो शासक हुए वो प्रतापी हुए और योग्य हुए। उनका जो प्रबंधन था वह अच्छा था और इसका फायदा जो है मगध को प्राप्त हुआ और मगध का जो है उत्कर्ष हुआ, मगध जो है शक्तिशाली बनकर के उभरा। पांचवा जो कारण है मगध के उदय का वह है उद्योग धंधों का विकसित होना। तो उद्योग धंधों का जो विकास है उसका कारण यह है कि वहाँ पर जो है मिट्टी जो थी वो है उपजाऊ थी, जो प्राकृतिक संपदा थी वो जो है मगध के पास में थी, इसलिए उद्योग धंधे जो थे उनका विकास होना स्वाभाविक था। और इन्हीं उद्योग धंधों के कारण से मगध को जो है आय हुई और मगध जो है शक्तिशाली बन करके उभरा। छठा है सहिष्णु प्रकृति के निवासी। मगध के जो लोग थे वो है सहिष्णु थे और जो है अपने राजा का सहयोग करते थे और इस कारण से जो है मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध का जो है उदय हुआ। सातवां जो कारण है उपजाऊ प्रदेश। मगध के जो प्रदेश थे वो उपजाऊ थे। कारण ये था कि नदियां पास में थी और इन नदियों के कारण से वहाँ के जो क्षेत्र थे भूभाग थे वह उपजाऊ थे। और इस उपजाऊपन का लाभ ये हुआ कि मगध के पास में अधिक आमदनी हुई और जब आमदनी होती है तो राज्य का विकास होता है और इस आमदनी का उपयोग युद्ध के जो औजार हैं या जो सैनिकों का जो संगठन करना था उनमें ये खर्चा हुआ। आठवां जो कारण है साहसी होना। मगध के जो लोग थे वहाँ के जो निवासी थे वह साहसी थे, निडर थे और किसी से डरने वाले नहीं थे और इसी कारण से जो है वो युद्ध प्रिय थे, युद्ध करने से घबराते नहीं थे, प्राकृतिक परिस्थितियों से घबराते नहीं थे और इस कारण से मगध का जो है उदय हुआ। नौवां जो कारण है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों से जो है शिक्षा प्राप्त हुई बिंबिसार को और इस कारण से भी दोनों की शिक्षाओं का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। तो यह भी मगध के उदय का एक कारण माना जाता है। दसवां है शूद्रों के साथ अच्छा व्यवहार। मगध के शासकों ने और वहाँ की जनता ने शूद्रों के साथ में अच्छा व्यवहार किया, इस कारण से मगध एकता में जो है बना रहा, एक होकर के लोग जो है संघर्ष करते रहे, यह भी इसका एक कारण है। ग्यारहवां जो कारण है कि राजा के प्रति सम्मान व्यक्त करना। मगध के जो लोग थे वहाँ के जो निवासी थे वो राजा के प्रति सम्मान प्रकट करते थे और यही कारण है कि राजा की शक्ति बढ़ गई, क्योंकि जब उसके जो प्रजा हैं उसके जो निवासी हैं वो अगर राजा का सम्मान करते हैं तो राजा की निश्चित रूप से जो है शक्ति बढ़ती है। बारवां है राजा का न्यायप्रिय होना। वहाँ मगध के जो राजा हुए वह न्यायप्रिय हुए, लोगों को उन्होंने न्याय दिया और इस कारण से वहाँ के निवासियों में राजा के प्रति जो है आस्था और अधिक बढ़ गई और एकजुट होकर के और ये लोग मगध के उदय में इन्होंने भाग लिया। तो ये भी कारण है। तेरहवां जो कारण है जो अधिकारी वर्ग था प्रबंधन करने वाला उन्होंने भी राजा का सहयोग दिया, अधिकारियों ने भी सहयोग दिया, इस कारण से भी मगध का उदय हुआ। तो इन कारणों को हमने देखा और इन कारणों के परिणाम स्वरूप मगध का उदय हुआ और जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो मगध उभर करके आया। तो मगध के बारे में हम जानकारी करते हैं कि जो मगध राज्य हैं उनमें कौन से राजा हुए, क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो मगध के बारे में जो जानकारी मिलती है सबसे पहले हमें
वह अथर्ववेद में मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि मगध जो है प्राचीन राज्य में शामिल था। तो अथर्ववेद में हमें मगध के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जो उल्लेख आता है वो अथर्ववेद में आता है मगध के बारे में। और इसके बाद में हम बात करें तो महाभारत के समय जो शासक हुए, महाभारत के समय में उसमें वृद्रथ नाम का एक राजा हुआ जिसका पुत्र था जरासंध। इसका पुत्र का नाम था जरासंध। और इस जरासंध ने सभी राजाओं को मल्ल युद्ध में पराजित करके जेल में डाल दिया था। और इस कारण से सभी जो राजा थे वो इस जरासंध से दुखी थे। और इसलिए कृष्ण भगवान ने यह कहा कि अगर जो जरासंध की जेल में जो राजा हैं, अगर इन राजाओं को छुड़ा लिया जाए, जरासंध को पराजित करके मल्लयुद्ध में, तो फिर जो ये बंदी जो राजा हैं वो जो हैं पांडवों के पक्ष में आ जाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान के कहने पर पांडवों ने जरासंध को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा और जरासंध ने भीम के साथ मल्लयुद्ध किया जिसमें जरासंध पराजित हुआ, मारा गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वृद्रथ वंश में सबसे जो अंतिम शासक हुआ वह हुआ रिपुजन्य। रिपुजन्य जो शासक है वह वृद्रथ का अंतिम जो है शासक हुआ। इसके बाद में रिपुजन्य का जो मंत्री था पुलिक, उसने जो है उसको मार दिया। और पुलिक के बाद में उसका जो पुत्र था महिये, उसको शासक बनाया। पुलिक ने अपने पुत्र महिये को शासक बनाया। और फिर महिये यह भी जो है दुर्बल शासक हुआ, यह भी कमजोर शासक हुआ, कमजोर शासक हुआ। और इसके बाद में जो सामंत हैं भट्टी है, इसने जो है महिये को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। और इस प्रकार से भट्टी जो है शासक बना। और जो भट्टी शासक हैं इसने सर्वप्रथम हर एक वंश का जो है नींव रखने का काम किया, आधारशिला रखने का काम किया। और जो टर्नर महोदय हैं इतिहासकार, उन्होंने बिंबिसार के पिता का नाम भट्टी बताया है। ये मान के चलते हैं कि बिंबिसार के पिता का नाम जो है भट्टी है, क्योंकि बिंबिसार के पिता के नाम को लेकर के जो इतिहासकार हैं उनमें मत भिन्नता है। तो टर्नर महोदय ने ये बताया कि जो बिंबिसार हैं उनके पिता का नाम भट्टी हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाभारत काल में भी इन राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। इसलिए मगध का जो प्रदेश है अति प्राचीन जो है मगध का राज्य है। और मगध को जो है प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण से लाभ मिला। और इन प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण से मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर करके सामने आया। तो हम इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। तो आधारशिला जो रखने वाला है वो है भट्टी। मगध राज्य की जो आधारशिला है रखने वाला वो भट्टी है। और जो संस्थापक माना जाता है वह संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। तो अगले वीडियो में हम बिंबिसार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।